देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ी है, ये चीज़ हमें गिवन है। एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, और जो ये पी एस है ये क्यू पी आर यानी कि इस पूरे एंगल को जो है बाइसेक्ट करता है, कौन? पी एस। तो इट मींस जो ये वाला एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल बनेगा दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि एंगल वन और एंगल टू जो होगा वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो प्रूव दैट एंगल पी एस आर, हमें प्रूव करना है कि जो पी एस आर एंगल है, पी एस आर ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर है यानी कि बड़ा है एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू इस एंगल से, ठीक है। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है। अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो हमें जिन दो एंगल्स को प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप उन्हीं दोनों एंगल्स की बात यहाँ पर कर लें। देखिए आपको एक चीज़ ये मालूम है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल होता है, ठीक, और उसके अगर कोई बाहर का एंगल होता है तो वो अपने अंदर वाले को छोड़ करके, अपने अंदर वाले को छोड़ करके बाकी जो दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनके टोटल के इक्वल होता है। अगर इस एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये अपने इस अंदर वाले एंगल को छोड़ करके, यानी इस इंटीरियर एंगल को छोड़ करके इसके और इसके टोटल के इक्वल होगा। अगर यहाँ से मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ तो ये इस अपने अंदर इस वाले यानी इंटीरियर एंगल को, इसको छोड़ करके इस वाले के और इसके, इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो पी एस आर है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए पी एस आर कौन सा एंगल है? पी एस आर ये वाला एंगल है। तो ये जो होगा, ये अगर हम एक ट्राइंगल देखते हैं पी क्यू एस, तो पी क्यू एक्स का एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो होगा ये अपने अंदर वाले को, इसको छोड़ करके इसके और इसके टोटल के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल वन और प्लस एंगल क्यू, ठीक है, इसके इक्वल होंगे, इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट मान ली है। अब पी एस आर के लिए तो मैंने ये काम कर लिया। अब जो पी एस क्यू था, अब उसको देखें आप, तो पी एस क्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो पी एस क्यू है वो ये वाला एंगल है, और अगर हम इस एंगल को देखते हैं तो ये पी आर एस के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो ये अपने इस अंदर वाले को छोड़ करके, यानी इस इंटीरियर एंगल को छोड़ करके, बाकी ये जो है ये वाला एंगल और प्लस इस वाले एंगल के, इन दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एंगल हम लिख सकते हैं एंगल टू और प्लस एंगल आर, इक्वेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है? टू आ चुकी है। अब आपने एक चीज़ ये और देखी है कि हमें जो गिवन था उसमें एंगल वन और एंगल टू इक्वल गिवन था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम फ्रॉम गिवन ले सकते हैं कि जो एंगल वन था वो एंगल टू के इक्वल था। तो एंगल पी एस क्यू, जो इक्वेशन टू है हमारे पास, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जहाँ पर एंगल टू लिखा हुआ है वहाँ पर एंगल वन रख सकते हैं, तो एंगल वन और प्लस एंगल आर, इसे इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन चुकी हैं जिसमें से पहली और तीसरी हमारे अब काम की बची है। अब जो है, जो एक चीज़ और हमें गिवन थी, जो कितना था, जो पी आर था वो हमें गिवन था पी क्यू के, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम गिवन, तो गिवन में हमें जो पी आर था वो ग्रेटर था किससे? पी क्यू से, ठीक। अब अगर हम देखते हैं जो पी आर साइड है वो कौन सी है? पी आर साइड ये है, और पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो पी आर साइड है वो किस एंगल के सामने वाली साइड है? एंगल क्यू के सामने वाली साइड है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ एंगल क्यू, यानी कि अगर साइड से हम एंगल में जाते हैं तो जो उसके सामने वाला एंगल होता है उसको लिखेंगे, ये साइन लगा देंगे ऐसे का ऐसे। जो पी क्यू है अगर हम उसको देखते हैं तो जो पी क्यू है वो ये है, और इसके सामने का जो एंगल है वो कितना है? एंगल आर है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप एक काम ये करें, एडिंग एंगल वन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लें आप, जो है एंगल वन को ऐड कर लें। जब आप एंगल वन को ऐड करेंगे तो एंगल क्यू, पहले एंगल वन और प्लस एंगल क्यू, यानी कि इधर भी हमने एंगल वन को ऐड कर लिया, और एंगल वन और प्लस एंगल आर, ठीक, लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखें, एंगल वन प्लस एंगल क्यू, एंगल
वन प्लस एंगल क्यू की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ एंगल पी एस आर तो लिख सकता हूँ, ठीक है, और एंगल वन प्लस एंगल आर की जगह लिखना चाहूँ पी एस क्यू तो लिख सकता हूँ, एंगल पी एस क्यू लिख सकता हूँ, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है।